तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं मैडी सिटी इस बच्ची के साथ। इसको मैं मैडी सिटी घुमाने ले जा रहा हूँ दोस्तों। वहाँ पर आपको दिखाएंगे बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनने वाले हैं दोस्तों। मैडी सिटी इको सिटी न्यू चंडीगढ़ में पड़ता है, जो कि चंडीगढ़ से 3 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं न्यू चंडीगढ़ में ये मेरा घर है, वो मेरी मम्मी है और वो मेरी अर्धांगनी है दोस्तों। और ये कमजोटी है, कहाँ है कमजोटी, ये रही। नहीं गिरेगा दोस्तों, हम जा रहे हैं मैडी सिटी। ये देखो लाइट है यहाँ पर। वो देखो दोस्तों, मैक्स की बेल्ट है। चलो दोस्तों, यह है वेलकम टू मेडी सिटी होमी बाबा कैंसर रिसर्च सेंटर ग्रेवाल आई हॉस्पिटल और चेतन हॉस्पिटल मैक्स हॉस्पिटल। दोस्तों यहां पर सारे हॉस्पिटल आने वाले हैं। आप देख रहे हो ये भेड़े घूम रही हैं, ये मेडी सिटी में भेड़े हैं। ये टाइप छोटी कौन भेड़ों पे बैठा दो, ये देखो दोस्तों ये और दोस्तों को होमी बाबा रिसर्च सेंटर में आपको अभी दिखाऊंगा। आप ये मेडी सिटी का एरिया देख रहे हो, ये बहुत ही मस्त और सुहावना मौसम के साथ एंजॉय लेते हुए। ये कंटोटी है, इसको भी देख लो कंटोटी है। ये दोस्तों ये रहा होमी बाबा रिसर्च सेंटर। आप देख सकते हो ये बनेगा यहाँ पर बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल दोस्तों, तैयार है। ये मेडी सिटी है, पूरा इको सिटी न्यू चंडीगढ़ में है दोस्तों, चंडीगढ़ से 3 किलोमीटर दूर। ये मेन गेट है होमी बाबा रिसर्च सेंटर का दोस्तों। दोस्तों ये जो खाली जगह आप लोगों को दिख रही है, यहाँ पर आई सेंटर बनने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आई सेंटर बनेगा। ये देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है आई सेंटर का, मेरे ये रहा। दोस्तों ये बगीचे हैं यहाँ पर मेडी सिटी में, ये देखिए दोस्तों, ये है पूरा मेडी सिटी, यानी कि मेडिकल की सिटी, मेडिकल के हॉस्पिटल ताले। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हो दोस्तों, यह नया होटल बनने जा रहा है मेडी सिटी में, जो कि चंडीगढ़ से 3 किलोमीटर पास में है। न्यू चंडीगढ़ नाम की जगह है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो। यह होटल आप लोग अब मैरिज के लिए, बर्थडे के लिए, बहुत सारे उन सब के लिए आप ये कर सकते हो, उन सब के लिए आप इसको बुक कर सकते हो दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पर इसका बोर्ड लगा हुआ था लेकिन वो बोर्ड फाड़ दिया, मुझे लग रहा है इसका नाम कोई दूसरा रखना चाहते हैं इसलिए। देख सकते हो आप इस मैरिज गार्डन में आपको स्विमिंग पूल भी देखने को मिलेगा, वो देखिए यहाँ पर नाइट स्टे का भी है, देख सकते हो आप झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, लाइट बात सारा कुछ है, अभी इसका काम चल रहा है। बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा जब आप इसके अंदर जाओगे, आप बुकिंग करोगे, बर्थडे मनाओगे नाइट में, बहुत ही अलग ही मज़ा आएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार लोकेशन है, यहाँ से आप देख सकते हो ओमेक्स की गगनचुंबी इमारतें जो कि न्यू चंडीगढ़ में है, थोड़ा जूम करके देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों काम चल रहा है ज़बरदस्त मेडिसिटी में, बहुत ही जल्दी मेडिसिटी बहुत अच्छा बनने वाला है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स यहाँ पर आने वाले हैं। जैसे तो दोस्तों हम कैफ़े में अंदर आ चुके हैं, आप देख रहे हो ये कितनी अच्छी हार्ट बनाई गई है यहाँ पर, ये पूरा कैफ़े बहुत सुंदर बनाया जा रहा है। हाँ बेटा, हाँ बेटा इधर देखो, ये चलो हट में चलते हैं, आ जाओ हट में अंदर चलते हैं, चलो आ जाओ इधर इधर जाओ। हाँ आ जाओ, क्या है अंदर देखो। तो दोस्त आ जाओ, तो दोस्त हम हट के अंदर आ गए हैं, ये देखो यहाँ पर लाइट का सिस्टम भी है, सारा सिस्टम है दोस्तों यहाँ पर, नाइट स्टे भी आप कर सकते हो, ये बुकिंग के लिए सबसे बेस्ट है। चलो बेटा बाहर चलते हैं, चलो यहाँ पर लेट बात भी है। हाँ बेटा, दोस्तों अब यहाँ पर हम देखते हैं स्विमिंग पूल। दोस्तों बस 15 दिन के बाद इसका काम पूरा हो जाएगा, फिर देखना यहाँ की खूबसूरती और ये अच्छी है। ये देखो ये स्विमिंग पूल है, अभी तो बन के तैयार ही हो रहा है। आजू जो धीरे धीरे इधर देखो, हेलो दोस्तों, इसका नाम है द ब्रू हट। दोस्तों ये है शमशान घाट जो कि मेडी सिटी में है दोस्तों, इधर बन रहा है ये ट्रकों के द्वारा जनरल हॉस्पिटल और साथ के साथ में है शमशान घाट, तो दोस्तों आप समझ सकते हो। और ये टाइम 2020 जो नहीं पापा की लाइट है ये फेंको, अबे क्या कर रहे हो तुम, क्यों कर गए तुम, हवा का इतना बेटो ज्यादा प्रेशर नहीं था कि तू वैसे बैठ के, इधर देखो ये देखिए दोस्तों, शाम को न्यू चंडीगढ़ से लोग घूमने आते हैं यहाँ पर मेडी सिटी शांत एरिया में दोस्तों। अभी दोस्तों 5-6 साल तो ये शांत रहेगा, उसके बाद यहाँ पर हा 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 हो जाएगा। क्या दोस्तों ये देख सकते हो सामने आम के पेड़ हैं, कुछ लोग शमशान घाट में भी आम तोड़ने जाते हैं दोस्तों, पके हो या कच्चे हो दोस्तों। दोस्तों ये मैडम खुद शमशान घाट में आम तोड़ने का मन है इसका, आम तोड़ने जाना चाहती है, आप बताओ क्या करें, इसको भेज दें।